ये पवन ने किया है जो CSK में खेलता था और दिल्ली ट्राइडर्स में अभी के। हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं महाकोटिक देखने, नोएडा सेक्टर का मुझे पता नहीं है। मैं रेडी हूँ, भाई रेडी हो रहा है, चाचा रेडी हो रहे हैं, मोहित भाई आने वाला है, दीपक भाई जो खत्री भाई जिसे कल घर पे छोड़ा था वो भी रेडी है, वो फोन पे फोन करे जा रहा है। तो बस अब कुछ ही देर में निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:45। दीपक भाई हमें बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या होता है, क्या मतलब है उस चीज़ का। हाँ भाई, हम जा रहे हैं महाकौतिक। अब भाई की बारी। कौतिक कुमाऊनी वर्ड है। कौतिक को वैसे मेला कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और महाकौतिक मतलब बहुत बड़ा मेला लगा है वहाँ पे। हम जा रहे हैं अभी नोएडा सेक्टर 21 स्टेडियम है, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे पहाड़ी गाने बजेंगे, वहाँ पे पहाड़ी खाना होगा, पहाड़ी गीत, ठीक है, और आपका वहाँ पे जो स्टॉल्स लगते हैं वो लगे होंगे। जैसे पिछौड़ा लेना आपको पिछौड़ा खरीद सकते हो, पहाड़ का खान पान जो होता है वो कल्चर पहाड़ का, ठीक है, टोटली पहाड़ का कल्चर देखने को मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ पे मेरा एक दोस्त आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे चीफ गेस्ट आ रहा है, तो उससे भी मिलाएंगे तुम्हें हम। आज हम पवन नेगी से मिलने वाले हैं, पवन सुयाल भाई से। तो दीपक भाई हमारा मिलवाया, स्टार प्लेयर हमारा CSK से खेला हुआ, ठीक है, वो भी अपना पहाड़ी भाई है। तो सारे पहाड़ी भाई, जितने भी लौंडे सारे पहाड़ी हैं, सारे पहाड़ी हैं, आपको लौंडों से मिलाएंगे। पहाड़ी रॉक फिलहाल बहुत तगड़ा प्रेशर बना है, बस जगह ढूंढ रहे हैं कहीं प्रेशर रिलीज करने की। शेयर मार्केट की बात चल रही है, 36 लाख पे चल रहा था वो, जब बिटकॉइन 24 लाख चल रहा था ना, भाई 51 लाख पहुंच गया था वो भाई। मैं कह तो रहा हूँ 24 से 51 पहुंच गया दोबारा। मेरी बात, और ऐसा गिरा ना, ऐसा गिरा मार्केट एक टाइम पे इतनी बुरी गिरी है, बिटकॉइन ने रिकवर करा दबा के। अभी कुछ नहीं करा यार, अभी 24 पे आ गया था भाई, मैं कह रहा हूँ उसके बाद दोबारा 48 पे चला गया था भाई ने। हमेशा ऐसे करता है, हमेशा रूट गलत है। तुमने बोला नैरोप्लेन मुझसे बोल रहे हो बकवास। नैरोप्लेन किसने बोल दिया था? ये बैठे दोनों भाई, तो हमने तुमने बोला नोएडा जा रहा है, हमने कहा तू पहले वो कह रहा था कुछ और जगह पे। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो नोएडा बोला था बस तेरे को। अरे यार, आज फिर हम गूगल मैप ने पागल बना दिया, या ये गूगल मैप पागल बना रहे हैं, बंदे पागल बना रहे हैं। इतनी देर से इधर, या ये भाई पागल बना रहे, दीपू भाई तब से आगे बैठा हुआ है और देख नहीं रहा। स्टेडियम कहाँ की तरफ को पड़ता था नोएडा सेक्टर 21 में स्टेडियम है ना, जो किधर को पड़ता है मैच आज हमारा? अभी भाई पूछ रहा है बड़ी देर होगी और हम यहीं पे घूम रहे हैं। अभी तक 3 बजने वाले हैं और हम यहीं इधर से उधर घूम रहे हैं, भूख भी लग रही है। और ये जो दीपू भाई है ये आगे बैठ के कुछ कर नहीं रहा, गूगल मैप भी देख रहा है पर गलत देख रहा है। फाइनली हम पहुंच गए, बड़ी शिद्दत के बाद पहुंचे, काफी टाइम लग गया हमें घूमते घूमते, आ ही गए। और ये है स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, क्या? सारे के सारे स्टेडियम, सारे स्टेडियम ऑल इन वन स्टेडियम है यार, नोएडा स्टेडियम। कुमाऊं सभा महापरिषद बिटी गाजियाबाद बिटी श्री बालम सिंह बिस्टी, महासचिव चंद गोपाल सिंह बिस्टी, संरक्षक और श्री नवीन चंद्र दानी जी उपाध्यक्ष, वो भी मौजूद छन, उनको भी मैं मंच के माध्यम से महापौर की तरफ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो मेन प्रोग्राम है वो यही है। थोड़ा पराठे खा के थोड़ा जान पे जान आई, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करा था, उसमें 2-3 ब्रेड खाई थी, और अब जाके पराठे खाए तो थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। बंदे कहाँ रह गए? अबे भाई, अबे बंदे कहाँ रह गए यार? बंदे कहाँ रह गए? ये तेरे गाल में 5 उंगलियां दिख रही है, टीका भी मिट गया भाई, क्या हुआ था? बाल काट रहे क्या? यह पवन नेगी और ये पवन सुयाल और ये है दीपक खत्री भाई हमारा, जो हमें यहाँ पे लेके आया है।
ये जो पवन सोहल भाई है ये दीपक खत्री है, उसके साथ खेला हुआ है, एकेडमी में खेलते थे तो ये इसलिए जान पहचान है, बातचीत भी होती रहती है। और ये पवन नेगी है जो CSK में खेलता था और दिल्ली ड्रैगन्स में, अभी KKR में था। आज भाई ने पवन नेगी और पवन सोहल से मिला है, तो भाई किधर जाना है? राइट। तो मैंने बोला भाई से कि तू एक बार सौरभ जोशी से भी मिलवा दे, भाई के कॉन्टेक्ट बहुत हाई है, इसलिए हमने इसको आगे सीट पे बिठा दिया। पहले हमने पीछे बिठाया था, पहले हमने पीछे, हमने बोला भाई की इज्जत थोड़ी बड़ी है तो हमने कहा फ्रंट सीट पे बिठाओ भाई, आगे आ जाओ भाई, आप आगे बिठाया, आप तो देखता हो भाई, आप तो देखता हो। अभी ये एक दिन बस MS धोनी से वीडियो कॉल पे बात भी कराएंगे, फिर देखेंगे, फिर भाई की गाड़ी के ऊपर बिठा के चलाएंगे, फिर भाई की पूजा स्टार्ट। वो बनाते हैं, अच्छा लगा के तुम्हारा कहाँ फिलहाल यार टायर पंचर हो गया, एक लेफ्ट वाला, आगे का लेफ्ट वाला, फिलहाल वही बनवा रहे हैं टायर। अभी तो पंचर लगवाते हैं, बाद में कब लगवाना? स्टेपनी वाला चेंज करेंगे। हाँ ये वाला टायर है, इसमें हवा भरते ही हवा निकल जा रही है। तो अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में ही है। कितना टाइम लगता है भाई? 5-10 मिनट का काम है, बस 5-10 मिनट में हो जाएगा। पनौती हो रही है, हैं? जब से मूवी देखी है ना तब से ही पनौती हो रही है। क्या देखिए? जब से मूवी देखी है ना कल से पनौती हो रही है। तेरा पहले बुलेट गया, जाते जाते बचा, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी नहीं मिली थी, उसके बाद आज ये पंचर होगी। होता है, कभी कभी होता है। हो गया सेट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे हमें इसे सेट करने में। इसकी जो नोजल होती है वो ख़राब थी और एक हल्की सी, हाँ वही एक हल्की सी कील गई हुई थी। अब पेट्रोल भराते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से निकल लेते हैं घर को जा रहे थे और जाते जाते हो गए लेट, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। अभी टाइम हो गया 7:30 बज गए, तो अभी हम मोट कचौड़ी खा रहे हैं। मोट अभी हम हैं दिल्ली कैंट वाला जो मतलब दौलतगंज से निकलता है, दिल्ली कैंट वाला जो रोड है उस पर अभी। भाई आ रहा हूँ फिर थोड़ी देर में, फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी एक फ्रेंड के पास। 8:30 हो गए, ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाऊँगा, ऐसे यहीं पास में रहता तो उसके पास जा रहा हूँ, उसने बुलाया भी था। तो कहाँ चलना है भाई? चल भाई वेगस ही चलते हैं एक बार, वेगस ही चलते हैं, भीड़ भीड़ है तो ठीक है, वेगस ही हो लेंगे भाई, टाइम भी हो रहा ज़्यादा। मैं तो कल ही होके आया था, मूवी देख के आया था वहाँ, तो अब हम चल रहे ना। बढ़िया मूवी है ना बोटे, क्या थी मूवी? एक नंबर भाई, एक नंबर। ये भाई वेगस के बाहर ही आए थे हम, पर इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतना क्राउड है, इतना रश है कि हम अंदर नहीं जा रहे, तो हम बाहर से ही बाहर को कुछ खा लेते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि आधा घंटा हमें पार्क करने में लग जाएगा गाड़ी, उसके बाद आधा घंटा पार्किंग से निकालने में लग जाएगा, तो एक घंटा तो ऐसे लग जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं, फिर अंदर भी इतना रश हो रहा है भाई, बाहर तो निकाल पहले गाड़ी। अभी यहीं इतना रश हो रहा है, ये देखो कितना रश हो रहा है, यहीं इतना रश हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ट्रैफिक पार्किंग मिल जाएगी, पार्किंग बहुत बढ़िया भाई, इसकी पार्किंग इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मगर निकालने में टाइम लगेगा यार। तो वही तो कह रहा हूँ यार, इसमें उतने में टाइम लग जाएगा। मैं इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि मैं कल ही आया था, कल रात को इसी वाले मॉल में मूवी देखी थी तो इसलिए, पर रात को तो मॉल बंद था, पर कोई नहीं कभी और आ जाएंगे। हमारे घर के पास सबसे पास यही वाला है और सबसे बढ़िया मॉल है, क्योंकि सबसे पास और सबसे बढ़िया, इसलिए हम यहाँ आते हैं, वरना हम कहीं और भी जा सकते हैं, पर वो दूर पड़ते हैं इसलिए हम कहीं और जाते नहीं हैं। जस्ट अभी एंट्री करी घर में और अब कपड़े चेंज कर ले, दोस्तों के साथ चली गया था, खाना वहीं से खाया, उसके बाद भूख लगी नहीं थी अब घर आगे, तो इसलिए अब सोऊंगा यार। आज सुबह 6 बजे सोया था और 10 बजे उठ गया, इसलिए मेरे को ना बहुत सही नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है भाई। बाकी आज का दिन ठीक रहा, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा, एवरेज रहा, ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया आज के दिन में, और ज़्यादा बोरियत वाला दिन भी नहीं गया, ठीक था। तो मिलेंगे नई वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय।